देश के अंदर पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कराने में इनको कोई शर्म नहीं, दुख नहीं। आप देखिए कि यौन शोषण के खिलाफ ये बेटियां बैठी एक महीने से, इनको कोई शर्म और अफसोस नहीं। इससे पहले बिहार चुनाव से पहले बिहार की रेजिमेंट के जवानों की हत्या करवाई गलवान घाटी में, इनको कोई दुख और अफसोस नहीं। भारत के मैं सामरिक दृष्टि से मैं कहूँगा, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम चीन को बेच दी, इनको कोई दुख नहीं। हमारे देश में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई, इन्हें कोई दुख नहीं। उस नालायक ने ताली बजा के नोटबंदी करके 2.5 लाख करोड़ का नुकसान देश को कराया, इन्हें कोई दुख नहीं। उसे ताली बजा करके 450 मामलों में देश में कोरोना के नाम पर ताला लगवा करके करोड़ों मजदूरों का पैदल चलवाया भूखा प्यासा, जिसमें खुले आसमान के नीचे महिलाओं ने बच्चे जने, इन्हें बेशर्म हो, कोई शर्म नहीं। उसने ताली बजा के लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया, चलते चलते मजदूर भूखे प्यासे गाड़ियों से कुचल के मरे, भूखे प्यासे मरे, रेल की पटरी से कटके मरे, इन्हें कोई दुख और अफसोस नहीं। बेटियां बैठी एफ आई आर दर्ज है यौन शोषण के खिलाफ, यौन शोषण का आरोपी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, इन्हें कोई दुख नहीं। हमारे सुनिए, आप समझ रहे हैं ना, तो इनके कर्म आपको, ये मैं सब कर्म उनके गिना रहा हूँ दोस्तों जो अंधभक्त है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंधभक्तों की नस्ल को पहचानो। ये जवानों की हत्या पर भी मौन रहते हैं, देश के सामरिक संस्थानों को चीन को बेचने पर मौन रहते हैं, और बेटियों का यौन शोषण कराने पर मौन रहते हैं, महंगाई लूटपाट में मौन रहते हैं, और देश में बेरोजगारी आसमान में पहुंच चुकी है, उस मामले में भी ये मौन रहते हैं, इन्हें बेशर्मों को कतई शर्म नहीं है। ये अपील मैं आपसे, इनकी आत्मा, एक लेखक थे मुक्तिबोध, गजान माधव मुक्तिबोध, उन्होंने कहा कि मर जाए शरीर पर मत मरे संवेदनाएं कभी। मुझे लगता है कि इस पूरी गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट में शामिल एक एक सांसद, एक एक विधायक, एक एक मंत्री का, इनकी आत्मा मर चुकी है, ये जिंदा नरप्रेत है। विवेकानंद ने एक बार कहा था, इन्होंने तो विवेकानंद को हिंदुत्व के नाम पे बेचा, मानवतावादी व्यक्ति को, जो सबसे बड़ा प्रवक्ता था 20वीं सदी का, 19वीं सदी का। लेकिन मुक्तिबोध कहते हैं कि मर जाए शरीर पर मत मरे संवेदनाएं कभी। यहीं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे, 3 किलोमीटर से भी कम इनका आवास होगा, प्रधानमंत्री आवास, यहीं बगल में इनकी पूरी सरकार, यहीं लोकसभा का नया ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन इनकी संवेदनाएं मर गई हैं, देश की ये नेशनल लेवल की बेटियां, इंटरनेशनल ओलंपियंस यहाँ पे 30 दिनों से अनशनरत हैं, प्रसन्नरत हैं, लेकिन इनकी पूरी गवर्नमेंट है, इनके किसी भी व्यक्ति को, इनके किसी प्रतिनिधि को ये फुर्सत नहीं है कि आके और वो कह सकें कि घबराओ मत, हम प्रदूषण को कानून के दायरे में लाते हैं, हम निष्पक्ष जाँच करेंगे। एक भी व्यक्ति आ रहा था तो हम लोग कहते कि ये जिंदा है, अरे ये नरप्रेत है, नरप्रेत है, ऐसे नरप्रेतों को नकार दो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अरस्तु थे एक बुरे, बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने एक अच्छी बात कही और सच्ची बात कही, उन्होंने कहा कि मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को भी जश्न में तब्दील कर देता है। जैसे कर्नाटक की करारी हार, बेटियां यहां बैठी है, उसने कार्यक्रम रद्द हो गया ऑस्ट्रेलिया का, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके मजबा सजा दिया, तय हो गया कि वहां जो कार्यक्रम है उसमें जापान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने जाने का मना कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं जा रहे, कार्यक्रम स्थगित होगा, पर साहब का विश्व भ्रमण का मामला है। लेकिन एक बात देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसके मुंह पे तमाचा मारा, वहां पर बीबीसी की जो फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी 2002 के दंगों को लेकर, उन्होंने संसद के अंदर चलाया उसे, पर बेशर्म आदमी है, वहां भी मजबा लगा रहा था। यहां बेटियां बैठी हुई है, वो बेटी यहां बैठी हुई है जिन्हें अपना घर का सदस्य बताया गया, बल्कि मैं आपके माध्यम से एक अपील कर रहा हूं, कल हमारी अंगड़ाई थी 23 तारीख को पहलवान बेटियों के न्याय दिलाने के पक्ष में, और उनका जो दुशासन बैठा हुआ है और दुशासन के जो ये बैठे अमित शाह और मोदी धृतराष्ट्र की तरह, 28 तारीख को 2 बड़े काम होने हैं। एक, हमारे देश के आज़ादी के नायक रहे चंद्रशेखर आज़ाद के शब्दों में, देश में हरामखोर का जन्मदिन है, मैं नाम नहीं लूंगा, और 2, उसी दिन उस पंचायत घर का उद्घाटन है, और 3, उसी दिन पहली पंचायत जो है वहां देश की लाखों महिलाएं करने वाली है। कल आप लोगों ने देखा होगा, इन सब मित्रों ने वीडियो बनाया, कल इंडिया गेट में हमारे साथ वो महिलाएं भी थी जिनके मासूम बच्चे गोद में थे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, निडर होकर के आप दिल्ली के लिए कूच करिए, और जहां जहां भाजपा मिलते हैं, 2 जूते पैर में पहन कर, 1 जूता हाथ में उठा के बोलो क्या कारण है कि पूरी मोदी सरकार और भाजपा यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, और क्या कारण है हमारे देश की जो यौन शोषण के खिलाफ बेटियां, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, उसे दंडित करने के लिए एक महीने से डटी हुए पूरी सरकार और भाजपा उनके खिलाफ क्यों अड़ी है। और आखिरी बात, उसको सजा दिलाने के लिए तमाम देश की जिस घरों में बेटियां हैं, जो बेटियों का सम्मान, जो हमारे देश का संविधान का सम्मान, बेटियों का, महिलाओं का सम्मान करता है, और मैं आपसे अपील इसलिए भी करता हूं कि हमारे लिए चुनौती की बात है, चुनौती इस बात की कि यौन शोषण की शिकायत किसी भी थाने में तत्काल एफ आई आर में दर्ज होती है, लेकिन इन जो हमारे देश में महिला द्रोही है, इनकी राज्य में यह संभव नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं, 28 तारीख को हमारे देश की नई संसद का उद्घाटन का जो सत्र है, उसमें महिला बैठेंगी और महिलाएं तय करेंगी कि भाजपा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चहेता यौन शोषणकारी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या सजा दी जाएगी। उसके लिए आप सब लोगों से अपील करता हूं, आप बड़ी से बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, और पहलवान बेटियों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक लाइन की बात मैं आप लोगों से और स्टेटमेंट देना चाहूंगा, अभी हमारी विनेश फोगाट को इस हिरण्य कश्यप ने कहा है कि ये मंथरा है,
ये कैकेयी हैं, और जब सत्य आ जाएगा तो सत्य आने के बाद मैं इनको धन्यवाद दूंगा जैसे राम ने और भरत ने तमाम लोगों ने अपनी माँ को दिया था। तो मैं बता दूं कि जिसको ये कैकेयी कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ये हिरण्यकश्यप है, वही हिरण्यकश्यप है जो प्रहलाद जैसे एक भक्त को, एक जैसे ये बेटियां आज भक्त हैं, ये इस राष्ट्र की, इस भारत माता की बेटियां हैं, अपनी ये भारत की धरती की प्रतिनिधि हैं, साक्षात ये माँ हैं, धरती माँ की प्रतिनिधि हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये वही प्रहलाद हैं ये बेटियां, और ये हिरण्यकश्यपु तेरी ये पूतनाएं, तेरी ये जो जितने भी हैं, ये जो तू तेरी बहन है, ये जो आके इन बेटियों को जलाने का कार्य कर रही है, आपकी तमाम पूतनाएं, तमाम राक्षस आ रहे हैं। जो होलिका है, जिस तरह से प्रहलाद को जलाने गई होलिका दहन हो गई थी और जल गई थी, ऐ हिरण्यकश्यपु, जिस तरह से खंबे उस भक्त से पूछने वाला कि बोल तेरा भगवान कहाँ है, जिस तरह से हिरण्यकश्यपु ने पूछा और भगवान ने दिखाया नृसिंह ने कि किस तरह से उठाए और चीरे और फाड़े, तो ऐ ब्रजभूषण शरद सिंह है जो तुम आज वर्तमान के हिरण्यकश्यप हो।